हेलो, वेलकम टू माय चैनल कोशर फ्यूजन बाय अंजलि। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पत्ता गोभी या बंद गोभी की आसान सी डिलीशियस और न्यूट्रिशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही कम समय में और कम मसालों से बनने वाली सब्जी है। बंद गोभी एक ऐसी पत्तेदार सब्जी है जो कि हर मौसम में यानी पूरे साल बाजार में अवेलेबल होता है। ये विटामिन और मिनरल से भरपूर है। पत्तेदार गोभी लाल, हरी, सफेद और बैंगनी रंगों में आता है। तो चलिए पत्ता गोभी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पत्ता गोभी पहले साफ करके इसको बारीक बारीक काटा हुआ है। फिर इसको कोसे पानी में नमक डालकर 20 से 25 मिनट तक रखा था और फिर नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से धो के रखा हुआ है। इसे थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए मैंने 5-6 सूखी लाल मिर्ची और 8-10 हरी मिर्ची ले ली है। सबसे पहले वोल्टेज को मीडियम पे सेट करके कढ़ाई में हम सरसों का तेल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से धुआं उठने तक गर्म करेंगे। सरसों के तेल में सब्जियां बहुत टेस्टी और हेल्दी बनती है, इसलिए मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें ज़ीरा, राई और हींग ऐड करके इनको 30 से 40 सेकंड तक सॉटे करेंगे। इन्हें सॉटे करने के बाद वोल्टेज को फिर से लो पे सेट करके इसमें सूखी लाल मिर्ची ऐड करेंगे और 15 से 20 सेकंड तक सॉटे करेंगे। सरसों वाले गर्म तेल में सूखी लाल मिर्ची फ्राई करने से एक तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, दूसरा उसमें खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आती है। इसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर, सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर ऐड करेंगे और 5 से 7 सेकंड तक चलाएंगे। फिर इसमें हम पत्ता गोभी ऐड करेंगे। पत्ता गोभी को हम साथ साथ में थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे ताकि सारा पत्ता गोभी कढ़ाई में आ जाए। फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे जिससे कि पत्ता गोभी पानी छोड़ देगा और ये थोड़ा थोड़ा पकने लगेगा। सारा पत्ता गोभी कढ़ाई में ऐड करने के बाद वोल्टेज मीडियम पे करके हल्के हाथों से इसे हिलाएंगे ताकि पत्ता गोभी मसालों और तेल के साथ मिल जाए और ये अपने ही छोड़े हुए पानी में पक जाए। अच्छे से आपस में मिलाने के बाद हम इसमें काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और फिर से आपस में अच्छे से मिलाएंगे। वोल्टेज लो मीडियम पे करके इसे ढक लेंगे और 4 से 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, पत्ता गोभी को चेक करेंगे। अभी ये पक नहीं गया है, पानी इसने रिलीज किया है। आपस में हम इन्हें मिलाएंगे, फिर से ढक लेंगे और 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। फिर से ढक्कन खोल के इसको चेक करेंगे, आपस में मिलाएंगे। पत्ता गोभी को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, इसमें हमने थोड़ा सा क्रंच रहने देना है। फिर इसमें हम अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, आपस में अच्छे से मिलाएंगे और ढक लेंगे। फिर 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। लास्ट में इसमें हम हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी और चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे, आपस में मिलाएंगे और साथ ही में हम इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे, आपस में मिलाएंगे और फिर वोल्टेज ऑफ करेंगे। पत्ता गोभी की सिंपल, डिलीशियस और न्यूट्रिशियस सब्जी रेडी है।
ये आप पूरी, पराठा और रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। साथ ही में ये एक बहुत ही अच्छी लंच बॉक्स रेसिपी भी है। आप भी पत्ता गोभी की ये सिंपल सी रेसिपी बनाइए, खाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट्स।